रुक करते हैं विस्तार से गतिविधि की ओर। महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा एवं पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने निर्भया केस के लिए लिए गए आरोपियों को फांसी दिए जाने के निर्णय का स्वागत किया है, लेकिन अनीता वर्मा ने इस निर्णय को लेकर 7 साल लगाए जाने पर भी खेद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि निर्भया केस के बाद आरोपी बाकी केसों में शामिल लोगों के लिए भी सख्त निर्णय लिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय में निर्भया फंड रखा गया था, लेकिन अफसोस है कि आगे वाली सरकारों ने न कोई काम किया है और न ही कोई प्रगति लाई है। मुझे बहुत खुशी हुई कि जो निर्णय लिया गया है कि 22 तारीख को इनको फांसी दी जाएगी और ये अंतिम निर्णय है, पर एक अफसोस बहुत हुआ मुझे कि 7 साल लग गए एक इतना बड़ा केस जिसमें कि पूरे हिंदुस्तान की जनता सड़कों पर आ गई थी, तब जाके हमारा जो कानून है उसने ये लागू किया। तो आप सोच सकते हो कि जो दूसरे हमारे अपराधी हैं जिन्होंने इतने बलात्कार किए हैं इतने सालों में निर्भय केस के बाद, उनको भी अभी तक कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है कानूनी तौर पर। कांग्रेस सरकार जब यूपीए सरकार थी उस टाइम उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, महिलाओं के लिए पुलिस के थाने और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई बड़े बड़े प्रोग्राम रखे थे, जिसमें एक निर्भय फंड भी रखा था जिसके तहत कहीं भी महिलाओं को कोई मुश्किल हो तो उस फंड को इस्तेमाल कर वो सुरक्षा वहाँ पर महिलाओं को दे सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इसके ऊपर आगे जो सरकार आई है उसने कोई ना काम किया ना कोई उसको आगे बढ़ाकर उसमें कोई प्रगति लाए। और ये जो एक निर्णय अब हुआ है इससे अब कई लोग डरेंगे, वो ऐसा कार्य करने से 10 बार सोचेंगे। और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी जो ऐसे केस हैं जैसे गुड़िया कांड है हमारा हिमाचल का और कई ऐसे केस जो हैं पूरे हिंदुस्तान में, उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए ताकि जो ऐसे लोग हैं वो डर और भय में रहें और हमारी महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित रहें।